जी हम जा रहे हैं। बेटे शादी में जा रही हो, थोड़ा चमक धमक पहनो, क्या सिंपल दिख रही हो एकदम। मम्मी जी जो अपनी वीडियो से सबको हंसाती हैं, जिन्हें आप कॉमेडी क्वीन कहकर बुलाते हैं, जिनकी हम बात कर रहे हैं वो है आरजे एक्टर कॉमेडियन इन्फ्लुएंसर आरजे करिश्मा। इनकी कॉमेडी वीडियो आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आती है, खासकर सास बहू वाली सीरीज, जिन्हें देखना आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आता है। पर क्या आपको पता है आरजे करिश्मा कभी आरजे बनना ही नहीं चाहती थी, तो फिर ये क्यों बनी आरजे? आज आरजे करिश्मा सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा पॉपुलर है, आज हर कोई उन्हें जानता है, लेकिन क्या आप इनके असली जीवन को जानते हैं? आखिर करिश्मा के अंदर इतना अच्छा एक्टिंग करने का करिश्मा कैसे आया? ये वीडियो होने वाली है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको करिश्मा की असल जिंदगी से रूबरू करवाने वाला हूँ और जानेंगे आरजे करिश्मा किसके साथ रिलेशनशिप में है। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले जान लीजिए, मेरा नाम है विकास और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। बज गई है बेटा, थोड़ा जल्दी उठा करो। मम्मी जी मम्मी जी क्या हुआ? आपने बोला था ना जल्दी उठना, तो आप क्या करना है? बेटा तुम अपने टाइम पे उठो, कोई बात नहीं। सोलह अगस्त 1995 को करिश्मा का जन्म जम्मू के एक हिंदू मिडिल क्लास फैमिली में हुआ। ये इस टाइम 26 साल की हैं, ये जॉइंट फैमिली में रहती हैं। लेकिन इनकी फैमिली की बात करें तो मम्मी पापा, एक भाई और एक बहन है। इन्होंने अपनी स्कूलिंग जम्मू के ही एक स्कूल से की है। इन्हें स्कूल से लौटते वक्त सोया और कुल्चा खाना बहुत ज्यादा पसंद था। ये एक स्ट्रीट फूड है जो जम्मू में बहुत ज्यादा फेमस है। करिश्मा बताती है कि अगर आप कभी जम्मू आए तो ये फूड जरूर ट्राई करें। ये बताती है कि मैं बचपन से इतनी ज्यादा शरारती थी कि मैं अपने कजिन्स की नकल उतारती थी। इसके बाद वो मेरी मम्मी पापा से शिकायत करते थे। उसके बाद मम्मी पापा मुझे डांटा करते थे और कहते थे कि लाइफ में कभी तो सीरियस हो जा करिश्मा। मेरे मम्मी पापा चाहते थे कि मैं एक इंजीनियर बनूं, लाइफ में जॉब करूं और वेल सेटल्ड रहूं, जिसके लिए उन्होंने ट्वेल्थ में मुझे साइंस लेने के लिए कहा, जिसमें मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ लेने के लिए कहा। मैंने उनके कहने पर साइंस सब्जेक्ट तो ले लिया, लेकिन मुझे कभी भी इंजीनियर नहीं बनना था। मुझे बचपन से ही एक्टिंग बहुत ज्यादा पसंद थी। मैं अपनी मम्मी की चूड़ी साड़ी और बिंदी पहनकर छुप छुप कर एक्टिंग किया करती थी और कई सीरियल्स के करेक्टर तो मैं अकेले ही प्ले किया करती थी और उनकी तरह बोलने की कोशिश किया करती थी। और इंटरेस्टिंग की बात तो ये है कि सीरियल के पॉजिटिव रोल मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आते थे, मुझे नेगेटिव रोल अपनी तरह बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करते थे। मुझे कोमलिका का करेक्टर बहुत ज्यादा पसंद था और मैं हमेशा कोमलिका बनने की कोशिश करती थी। करिश्मा अपना एक्टिंग रिलेटेड एक किस्सा शेयर करते हुए बताती हैं कि एक बार छुपकर कमरे में एक्टिंग कर रही थी, मैं चार लोगों का करेक्टर अकेले ही प्ले कर रही थी और मम्मी ने दरवाजा खटखटाया, बोला करिश्मा तुम्हारे कमरे के अंदर कौन है? करिश्मा ने कहा कोई नहीं मम्मी, मैं अकेली हूँ। नहीं, मुझे तो दूसरे की आवाज सुनाई दे रही है। तो उन्होंने कहा मम्मी मैं एक्टिंग कर रही थी। अच्छा, अब तुम झूठ भी बोलोगी? चलो अच्छा, कमरे में जैसी जैसी आवाजें आ रही थी वैसी वैसी आवाजें मुझे निकाल कर बताओ। तो करिश्मा ने पूरा ऐसा ही एक्ट करके अपनी मम्मी को बताया, तब जाकर इनकी मम्मी को विश्वास हुआ। इन्होंने सोच लिया था कि मैं मम्मी पापा के कहने पर साइंस तो ले रही हूँ, पर मैं उन्हें बता दूंगी कि मैं एक्टिंग करना चाहती हूँ, मैं इंजीनियर बनना नहीं चाहती। तो इन्होंने हिम्मत जुटाकर जैसे तैसे अपनी मम्मी पापा से बात की, लेकिन जिसका डर था वही हुआ। इनके मम्मी पापा ने साफ साफ मना कर दिया और कहा चुपचाप से इंजीनियर बनो और लाइफ को सेट करो। लेकिन करिश्मा ने ठान लिया था कि मैं करूंगी तो करूंगी एक्टिंग। उन्होंने अपने भाई से बात की, अपने भाई को किसी तरह से कन्विंस किया और फिर इनके भाई ने इनके मम्मी पापा को कन्विंस किया। तब जाकर करिश्मा के मम्मी पापा माने और इंदौर में इनकी एक मौसी रहा करती थी, वो मौसी के यहाँ आ गई और इंदौर से ही इन्होंने जर्नलिज्म और वीडियो का कोर्स करने लगी। और 2016 में रेड एफएम 93.5 में इन्हें एक वेपन प्लेस के बारे में पता चला, जो एक रेडियो जॉकी का था। इन्होंने सोचा चलो रेडियो जॉकी कर लेते हैं। फिर इनके मन में ख्याल आया कि मुझे तो एक्टिंग करनी है, लेकिन इन्होंने सोचा कुछ तो कनेक्शन मिलेगा, तो ये रेडियो जॉकी का इंटरव्यू देने चली गई। अच्छा, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि कितने लोगों को रेडियो जॉकी की जॉब पसंद है, कितने लोगों का सपना है कि वो एक रेडियो जॉकी बने, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये कहती है कि पहले मुझे रेडियो जॉकी बनना बिल्कुल पसंद नहीं था और मुझे आरजे की जॉब भी पसंद नहीं थी, क्योंकि मुझे टीवी करना था, लेकिन मुझे रेडियो जॉकी की जॉब बहुत ज्यादा अच्छी लगती थी और
मैं अपने एक्टिंग का सपना सोशल मीडिया के थ्रू पूरा करना चाहती थी। इनके आज सोशल मीडिया पर वीडियो बहुत तेजी से वायरल होते हैं और मुझे भी इनकी कॉमेडी वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आती है। अगर आपको भी इनकी वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए आरजे करिश्मा के लिए। अगर इनके सोशल मीडिया फॉलोवर्स की बात करें तो इनके इंस्टाग्राम पर 2.3 मिलियन फॉलोवर्स हैं और यूट्यूब पर इनके बहुत जल्द 2 मिलियन सब्सक्राइबर होने वाले हैं। अगर इनकी सैलरी की बात की जाए तो रेडियो जॉकी की सैलरी और सोशल मीडिया की सैलरी मिलकर इनके 1 लाख से ज्यादा सैलरी कमा लेती है। करिश्मा इस टाइम कमिटेड है और इनके बॉयफ्रेंड का नाम शुभम रघुवंशी है जो इनके साथ रेड FM में जॉब करते हैं। ये दोनों साथ में बहुत लंबे समय से साथ काम कर रहे हैं। तो ये थी छोटी सी लाइफ स्टोरी करिश्मा की, आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। अगर कोई वीडियो डिमांड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। इस वीडियो पर लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। ऐसी अमेजिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। हमारी वीडियो पहुंचे सबसे पहले आपके पास, उसके लिए बेल आइकन पे ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।